गुड इवनिंग हमारे सारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हायर परचेस सिस्टम में, आज बेसिकली हम लोग को जिस टॉपिक पे चर्चा करना है वो टॉपिक है बेटा जी, जर्नल एंट्रीज। In the books of higher vendors, हम higher vendors के books में जनरेंटी क्या रिकॉर्ड करेंगे, आइए जरा सा स्क्रीन पर हम लोग चलेंगे जरा ध्यान से। Accounting treatment in the books of higher vendors, नहीं बेटा higher purchaser के books की बात करेंगे हम लोग। कौन वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट असेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज करता है। तो आइए इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जनरली क्या करेंगे बेटा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हम इसमें दो मेथड अडॉप्ट करते हैं, एक असेट्स अकाउंट मेथड और सेकंड क्रेडिट परचेज मेथड। आइए बाबू, असेट्स अकाउंट मेथड जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा जनरली अडॉप्ट नहीं है। हम लोग के यहाँ जो अडॉप्टेड मेथड है वो मेथड हम लोग का क्रेडिट परचेज मेथड है। क्रेडिट परचेज मेथड में हम सबसे पहले जनरेटी की बात करेंगे। अंडर द क्रेडिट परचेज मेथड, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी असेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, दो जनरेटी करेंगे हम लोग फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स। डीओपी डेट ऑफ परचेज, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, बिंग असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। डाउन पेमेंट करेंगे तो डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे बेटा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश आइदर बैंक अकाउंट। हम अगर साइनिंग अमाउंट पे करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे बेटा जी, अगर हम साइनिंग अमाउंट नहीं पे करते हैं तब हम इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। फटाफट जरा इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग। आइए अब हम नेक्स्ट की बात करें कि हम जनरेटी अब क्या करेंगे सर। ये तो उस डेट का एंट्री है जिस डेट में हम किसी भी असेट्स को अंडर दिस सिस्टम हायर परचेज करते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप डाउन पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सेकंड एंट्री जो हायर वेंडर टू कैश या बैंक है वो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एंट्री फॉर इच एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट मान लो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 times है, 5 times है, तो जिस डेट में इंस्टॉलमेंट की बात है, ईयरली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, उस डेट में हम दो एंट्री ऑलवेज करेंगे। फर्स्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू, परचेजर के लिए बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और फिर हम पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करेंगे वेंडर्स को, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश आइदर बैंक अकाउंट। DOI डेट के कॉलम में इट मीन्स डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप राइट डाउन करेंगे फटाफट सभी को। अब इच एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट हम ये दो एंट्री करने के बाद अब हम आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा जी, एंट्री फॉर इच एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हर साल के एंड में बेटा ये एंट्री जो करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ना कि इंस्टॉलमेंट के एंड में, याद रखेंगे इस चीज को आप। हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट बेटा ईयरली होगा और अकाउंटिंग पीरियड भी उसी डेट में हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे आप तो इच एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम दो एंट्री करेंगे, एक असेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, और नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री इच ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू profit and loss account. The generated will be a statement of profit and loss account debit to interest account to depreciation account. आप write down करेंगे word of word. अब हम लोग जो generated किए बेटा, आइए question के आधार पे जरा हम इसको present करते हैं in the books of higher purchaser के books. बेटा SRSP limited company purchase motor lorry from the SISM limited company on a higher purchase agreement on 1st April 2020.
paying cash rupees 10,000 and agreeing to pay 3 further installments of rupees 11,000 each on 31st March or every year. The cash price of motor lorry is 40,000 and the SISM Limited Company charges interest at 5% per annum. Depreciation charge on motor lorry at the rate of 10% per annum on SLM straight line method. It means each year amount of depreciation is equal. Pass the necessary guarantee in the books of hire purchaser book. Already beta, hum log is question ka already interest calculate kar chuke hain. Aapke lecture number first ke video mein hoga. Aaj hum log iska depreciation jara calculate kar le. Already bataya hua hai. पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हम लोग डिप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट कर ले बेटा. क्वेश्चन नंबर वन बेटा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बेटा. इच ईयर हम क्या डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा अंडर एसएलएम मेथड. डिप्रिसिएशन ऑन मोटर लॉरी फॉर each year under straight line method. Amount of depreciation. A seats ki jo cost price 40,000 into rate of depreciation divide by 100. It means each year ka jo amount of depreciation hai beta wo 4,000 hai. Aap isko write down karenge फटाफट जल्दी आप लोग. आइए हम लोग जनरेटी जरा एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी यानी वो हायर परचेजर के बुक्स में हम क्या एंट्री ड्राफ्ट करेंगे जरा फटाफट ध्यान देंगे हम लोग. ऑन द डेट ऑफ परचेज, हमारा डेट ऑफ परचेज बेटा 2020 अप्रैल फर्स्ट. हम पहली एंट्री करेंगे हमने एक एसेट्स परचेज किया जिस एसेट्स का यह नाम दिया हुआ बेटा मोटर लॉरी. मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू हम वेंडर्स का नाम लिखेंगे. टू हायर वेंडर्स के जगह हम हायर वेंडर का नाम लिखेंगे बेटा SISM लिमिटेड कंपनी अकाउंट बीइंग असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम SISM लिमिटेड अंडर हायर परचेज सिस्टम. यहां कैश प्राइस लिखेंगे इट मींस 40,000. नेक्स्ट, चूंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे डाउन पेमेंट की चर्चा है तो सेम डे डाउन पेमेंट की चर्चा हम लोग कर ले बेटा. डाउन पेमेंट हमने किसको किया? SISM लिमिटेड को किया डाउन पेमेंट. दिस इज हायर वेंडर्स टू. अब कैश लिखो या बैंक लिखो, किसी एक स्टेटमेंट को लिखेंगे हम. बैंक साइनिंग अमाउंट पेड, आपने साइनिंग अमाउंट पे कितना किया बेटा 10,000. ये बेटा हो गया एंट्री ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी असेट्स अंडर दिस सिस्टम. ऑन द डेट ऑफ परचेज हम ये दो एंट्री करेंगे. अगर डाउन पेमेंट है तो ये एंट्री ड्राफ्ट करेंगे बेटा. अगर डाउन पेमेंट तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है तो आप इस एंट्री को बेटा ड्राफ्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट, अब एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट, इच एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट, हमारा यहाँ बेटा इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन है बेटा वो ईयरली है, क्वार्टरली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, ईयरली है. तो ईयरली इंस्टॉलमेंट 2020 आ जाइए 2021 मार्च 31st. हम सबसे पहले इंटरेस्ट का ड्यू शो करेंगे. इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव है बेटा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, अब हमारा ऊपर इंटरेस्ट कौन चार्ज किया? SISM लिमिटेड कंपनी ने चार्ज किया. तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर फर्स्ट ईयर, तो बेटा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का शो करेंगे बेटा. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 1500. फिर हम तुरंत बेटा बिना सोचे समझे हम साइनिंग सॉरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे. SISM लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
बिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप 11,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यस या नो? नो सर। अब आ जाइए बेटा, अब एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर सेम डाटा रहेगा, आएगा बेटा मार्च 31। अब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपने असेट्स पर बेटा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर लॉरी बेटा, तो आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखे हुए बेटा 4,000, यस या नो? एंड लास्ट बेटा, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपका बेटा इंटरेस्ट 1500 है फर्स्ट ईयर का और डिप्रिसिएशन 4000, टोटल बेटा 5500। फिर आप ये वन ईयर का इफेक्ट खत्म हो गया बेटा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरा कब है भाई? 2022 मार्च 31। फिर वही रटा रटा एंट्री करेंगे बेटा हम लोग। इंटरेस्ट डेबिट टू SISM लिमिटेड अकाउंट, SISM लिमिटेड कंपनी अकाउंट बेटा, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिख दो 1025। फिर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दो बेटा SISM लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आ जाएगा 11,000। फटाफट पहले यहां तक एंट्री आप ड्राफ्ट कर लो जल्दी से आप लो। आइए आप यहां तक एंट्री कर लिए, अब देन आफ्टर सर हम क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं है बेटा, फिर यही रटा रटा एंट्री करना है। एंट्री में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है बेटा, ध्यान से समझना। चेंज क्या होगा? वैल्यू में। तो चूंकि हम जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2022 की घटना है, हम इन दोनों के बाद फिर ये एंट्री रिपीट करेंगे बेटा, डिप्रिसिएशन टू मोटर लॉरी। और यहाँ पे चूंकि SL मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू सेम होगा। एंड लास्टली ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इंटरेस्ट हो गया बेटा 1025 एंड डिप्रिसिएशन हो गया बेटा 4,005025। बेटा आप ये दो एंट्री पहले आप राइट डाउन कर लेंगे आप। अजी ध्यान देंगे बेटा आप। अब ये टू ईयर का, दो साल का आप एंट्री कर लिया। अब आइए चूंकि तीन इंस्टॉलमेंट है ना, आइए अब लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें हम लोग। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को कब करने की बात है? 2023। आइए बेटा बार बार एक ही चीज तुम लोग को बोलेंगे, एंट्री में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। 2023 इंटरेस्ट टू SISM लिमिटेड कंपनी, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का वैल्यू लिख दो, फिर बेटा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो सेम डे, तो इंस्टॉलमेंट आपका 11,000। फिर बेटा आप लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करके, तो डिप्रिसिएशन टू मोटर लॉरी, और फिर आप इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन 4475। आप राइट डाउन करेंगे फटाफट बेटा, फिर लास्ट ईयर का 2023 का एंट्री राइट डाउन करेंगे आप लोग।
तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। छोटा कौन सा सी बुक लेक्चर पे था होमवर्क बनाना है? आज, हम लोग ने सीखा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हम जनरेटिव कैसे ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स हम जनरेटिव कैसे करेंगे। फिर हम हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक्स में हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे वो सीखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय महादेव।